Welcome back, my dear friend. Let's jump into the next question. As you know, in this question and answer section, we pick up some random questions which we feel valuable hai, aur bahut sara students bachcho ka ye rehta hai, similar kind of questions rehta hai, unko hum log pick karte hain aur we try to give a answer to that. So let's jump into the next question today. The next question is by Jagruti from Gujarat. And Jagruti, you have asked, how can SMIN Center of Aviation and Space and Aero Master Class help me to get a job as aerospace engineer in NASA? Wonderful question, Jagruti, and I congratulate you because you have a great dream to work as aerospace engineer in NASA. So I appreciate that. So let I will try my level best to answer you this question. So Jagruti, as you know that for joining NASA as an aerospace engineer, definitely you must have a bachelor degree. Initially you must have a bachelor degree. You can go for M.Tech and PhD as well, but basic things you must have an aerospace engineering. So this is the first step. This is the first step of your dream. Like, there are few steps. आपने बैचलर डिग्री किया बीटेक में, फिर आपने एमटेक किया, फिर वहां पर आपने पीएचडी किया, आपको फिर यूएस जब व्हेन यू ऑफर लेते हैं यू हैव टू टेक देयर सिटीजनशिप भी मिलना चाहिए. देर आर लॉट ऑफ अदर रेगुलेशन विच मे बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट एट दिस सिनेरियो द फर्स्ट स्टेप फॉर यू आई कैन सजेस्ट, द पहला जो कदम हम आपको हेल्प कर सकते हैं टू गेट योर एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिग्री. दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू मस्ट. So, उसके बाद जैसे हमने मैंने बताया कि इफ यू आई ऑल्सो रेकमेंड, हाईली रेकमेंड कि आप एक मास्टर डिग्री भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कीजिए और अपना जो फील्ड आपका इंटरेस्ट है, लेट्स सी यू वांट टू गो ऑन कोडिंग, लाइक यू लव टू डू कोडिंग, सो यू कैन कोड द सैटेलाइट इंस्टेड ऑफ कोडिंग सम सॉफ्टवेयर और इंस्टेड ऑफ कोडिंग सम फाइनेंशियल कंपनी और वेबसाइट और ई कॉमर्स साइट कोडिंग और एनी कोडिंग. इट्स हाउ वंडरफुल इट विल बी, हाउ पावरफुल यू विल बी, यू विल बी कोडिंग द सैटेलाइट्स. जस्ट इमेजिन समबडी आस्क यू व्हाट यू डू, आई एम डूइंग कोडिंग ऑफ सैटेलाइट्स. इट्स इजंट इट साउंड वंडरफुल? यस, डेफिनेटली. सो कौन सा चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है? किसी को स्ट्रक्चर में रहता है, किसी को प्रोपल्शन सिस्टम में होता है, किसी को नेविगेशन सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है, किसी को जैसे स्ट्रक्चर वालों को मैन्युफैक्चरिंग में काफी इंटरेस्ट होता है. तो आपका क्या इंटरेस्ट है उसमें आप एक्सपर्टाइज करो और उसके साथ आप उसमें पीएचडी भी ले सकते हैं. और मेन चीज है टू गेन एक्सपीरियंस. तो आपको वही चीज पता चलेगा कि मेरा एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट किस में. जैसे कि आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ माई सन. वो हर दो दिन में बोलता है कि लाइक आज बोलेगा पापा आई वांट टू लर्न टेनिस, आई वांट टू गो फॉर म्यूजिक, आई वांट टू गो फॉर चेस. ही विल ट्राई फोर फाइव थिंग्स आई नो. माय वाइफ टोल्ड मेरे को दे सब बोलने बोलता है करने के लिए, फिर करता नहीं है. बोला कि लाइक ही विल ट्राई टेन थिंग्स और फाइव थिंग्स, देन ही विल असेस कि किस में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है, किस में उसको ज्यादा अच्छा हो रहा है, देन ओनली ही कैन टेक द डिसीजन. सिमिलरली यहाँ पर जो आप करेंगे बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन सेंचुरी यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एविएशन स्पेस, तो यहाँ पर क्या होगा, यू विल हैव एन हैंड ऑन एक्सपीरियंस. जैसे यहाँ पर सीएनसी मशीन्स है और एडवांस सिस्टम्स हैं, इसमें हम लोग हाल और इसरो इसके भी कुछ स्पेयर पार्ट हम लोग का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है. सो पकड़ लीजिए, वो जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा हाउ गुड आर यू इन मेकिंग हार्डवेयर, आर यू इंटरेस्टेड ऑन दैट. यहाँ पर डैसल सिस्टम का है, डैसल्ट आई थिंक आप जानते होंगे, फाल्कन एयरक्राफ्ट हो गया, राफेल एयरक्राफ्ट का उसका मैन्युफैक्चरिंग द पैरेंट कंपनी है. सो व्हेन यू वर्क ऑन दैट सिस्टम, जब आप काम करेंगे तो आपको खुद का इंटरेस्ट पता चलेगा, उस खुद का स्किलफुल पता चलेगा. ये सारा फैसिलिटी हमने जान के रखा होगा, बंदा जो भी यहाँ पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहा है ही विल हैव एन हैंड ऑन एक्सपीरियंस. तो एक एडवांटेज उसको इमीडिएटली मिल गया, आपको एक एडवांटेज ये मिल गया कि आपको पता चल रहा है कि आप कौन से चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, किसमें आप ज्यादा अच्छा कर सकते हो. जैसे कि बाद में जाके आपको व्हेन यू गेट इनसाइड द जॉब्स फिर बोलोगे नहीं ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, आई हैव टू चेंज दैट. नो, फ्रॉम द बिगिनिंग आपको पता चल जाएगा,
ना हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, कोडिंग में, किस में, एरोस्पेस में आपको स्पेशलाइज करना है, सो यू विल हैव एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट आपको बेनिफिट क्या हो जाएगा, जब आप एक इंटरव्यू में जाओगे, इमेजिन कीजिए आप जा रहे हो एक इंटरव्यू में, यू से नासा हो गया, स्पेसएक्स हो गया, डीआरडीओ, कोई भी बहुत सारे कंपनी है जिसमें आप जाओगे इंटरव्यू में, सब आपके वहां पर सारे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आए होंगे, बट आपके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस होगा, यू आर, आपके पास स्किल होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन करेगा कॉन्फिडेंटली आप आंसर करोगे, यू डन अ प्रैक्टिकल ऑन द रियल थिंग्स व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन द इंडस्ट्री। जैसे हम लोग का स्पेस लिंक भी हो गया, वहां पर भी वी आर मैन्युफैक्चरिंग टू सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट एंड अदर एरोडायनामिक्स एंड एरोस्पेस रिलेटेड थिंग्स। तो जब उसमें आप रेगुलरली उसमें काम करेंगे तो आप स्किलफुल हो जाएंगे, तो आपको जब जॉब में जाएंगे उसका एडवांटेज, एक अनफेयर एडवांटेज मिलेगा दूसरों की तरफ, बिकॉज यू हैव ए स्किलफुल हैंड। और ये आपको लॉन्ग रन में जाके करियर ग्रोथ में भी डे वन से पता चल जाएगा कि आपको क्या इंटरेस्ट है और यू कैन चूज एंड सक्सीड इन करियर। सो दीज आर द प्रोसेस। और दूसरा, जैसे कि हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि इंटर्नशिप, रिसर्च प्रोजेक्ट एंड वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी काम करना चाहिए। जैसे कि पकड़ लीजिए यहाँ पर हम लोग इंटर्नशिप, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एरोस्पेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन है, उनके वहां पर हम लोग कोलाबोरेशन करके उनसे इंटर्नशिप आप जाके करोगे, यू विल डू वर्क देयर, यू विल वर्क यहाँ पर इमिडिएटली आप कर सकते हो स्पेस लिंक में। सो उसके बाद जो रिसर्च प्रोजेक्ट स्पेस लिंक का हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहां पर आप इन्वॉल्व हो सकते हो। बहुत सारा जगह में यहाँ पर वर्कशॉप कंडक्ट होता है और बाहर में भी होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा एरोस्पेस का कुछ ना कुछ चलते रहता है प्रोजेक्ट, वहां पर आप वॉलंटियर भी हो सकते हो। तो वहां से आपको यू विल गेट बिल्ड अप द कनेक्शन एंड यू विल बी फील कॉन्फिडेंट व्हेन यू यू नो सराउंडेड बाय सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो उसमें आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा जिससे कि आगे आप जाके इजिली चीजों को कॉन्फिडेंटली अडॉप्ट करेंगे और आप इजिली जॉब में आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा एंड इजिली आप जॉब मिल पाएगा एज एरोस्पेस इंजीनियर, नॉट ओनली नासा बट ऑल्सो एनी वेयर यू वॉन्ट टू हैव। उसके बाद आपको रिसर्च जॉब ओरिएंटेड जो भी ओपनिंग्स है, और आप नासा का जो भी रेगुलर हम लोग नासा का जो वेबसाइट है रेगुलर, उसको आप देख सकते हैं, और नासा में भी आप ये वेबसाइट का हमने एक लिंक भी नीचे डाल रहे हैं, तो वहां पर आप अपना पोजिशन देख सकते हैं, क्या आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, टाइम टू टाइम क्या कौन से पोस्ट के लिए, कौन से वैकेंसी के लिए क्या उनका रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली आप अपना सीवी को, अपना करियर पाथ को, उसे आप आहिस्ते 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 वो स्टेप बाय स्टेप खुद को उस लेवल का बनाओ। आज आप एक 12th स्टूडेंट हो, कल आप अपने को इस लेवल में 2-4 साल में आप बनाएंगे, आप खुद बनोगे। हम लोग तो ओनली आपका स्टेप बाय स्टेप हैंड होल्ड के हैंड सपोर्ट देंगे, बट यू हैव द की ऑफ सक्सेस ऑफ योर ओन इन योर हैंड, यू हैव टू ओपन दैट डोर टू द स्पेस टू द इन्फिनिट। जस्ट इमेजिन यू आर क्लाइंबिंग स्टेप बाय स्टेप लैडर, हम लोग तो लैडर है, हम लोग तो सीढ़ी है, आपको एक एक स्टेप हाथ पकड़ के चढ़ाएंगे, पर अल्टीमेटली की ऑफ सक्सेस को आपको खोल के डोर ओपन करके स्पेस की तरफ देखना है खुद को। सो दीज आर द थिंग्स आई एम गिविंग द डिस्क्रिप्शन में, नासा का सारा मैं दे रहे हैं, और हमारा भी सिमिलर काइंड आपको कोई क्वेश्चन हो, anything you want, you have our mail ID, you have our phone number, you have everything, you can reach us to anything, and you can see the description below to get whatever information you want, so you can stay connect with us. I hope ki aapka answer maine properly diya, so thank you and all the best, looking forward to see you in the campus soon. Thank you so much.